दिवाली और छठ पूजा के लिए देश भर से लोग अपने अपने घर पहुंचने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर ट्रेनों में खचाखच भीड़ देखी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आज सुबह बांद्रा स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। यह घटना सुबह 3 बजे ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घटी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्री 22921 नंबर की बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जिसको सुबह 5:10 पर रवाना होना था। इस दौरान जब ट्रेन आई तो चढ़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि इसमें 10 यात्रियों को भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 8 स्थिर हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर नेताओं ने सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। सुनिए क्या क्या कहा नेताओं ने। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। अभी खबर आई थी कि एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवे पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? मैं महाराष्ट्र सरकार के नाकामी की बहुत निंदा करता हूं और एक इनकॉम्पिटेंट सरकार। जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और ये रेलवे मंत्री महाशय को फिर एक बार जिम्मा सौंपा है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो, गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। देखेंगे क्या होता है।